महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तालपुरी शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शिव जी की आराधना की और महासमुंद से कांग्रेस सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी बातें कही। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू तालपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर शिव जी की आराधना की। इस दौरान कार्यक्रम में जहां तालपुरी शिव मंदिर समिति के द्वारा छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ने उनका उत्साह वर्धन भी किया। वहीं इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस पार्टी द्वारा महासमुंद सीट के लिए सांसद प्रत्याशी घोषित करने की बात पर उन्होंने मीडिया को बताया कि पार्टी ने उन पर विश्वास किया है और वह उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, जिसे वो पूरी क्षमता से निभाएंगे। फाइनल हो गया और महासमुंद, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि लोकसभा के लिए मुझे महासमुंद का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और टी एस सिंहदेव जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभारी मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और महासमुंद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे उनका सम्मान गिरे, उनको सिर झुकाना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। विश्वास दिलाता हूँ उनको, जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो सकेगा काम करेंगे, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे आपस में भाईचारा और सद्भाव के वातावरण के बनाने का काम हो, समरसता बनाने का काम हो, हम लोग महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को बहुत सुंदर क्षेत्र बनाएंगे। कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता ही है और उस चुनौती को स्वीकार करके ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। ये बात देखा गया, विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और लोकसभा का चुनाव बड़ा व्यापक होता है, इसलिए विधानसभा चुनाव के इशू अलग होते हैं और लोकसभा के अलग होता है। नरेंद्र मोदी कितना चलेंगे? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और जितना काम उन्होंने किया है वो जनता के सामने है और चुनाव के मैदान में उन सब बातों को करेंगे कि क्या क्या वादे उन्होंने किए थे जिसको पूरा नहीं कर पाए, वो सारी बातें वहाँ चुनाव मैदान में करेंगे। 15 लाख रुपया देने की बात की थी हर खाते में, अभी तक नहीं आया। बहुत सारी बातें हैं जिनको चुनाव मैदान में करेंगे। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मुझे जनता के प्यार, जनता के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा रहता है, इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और महासमुंद की जनता विजयश्री हासिल करेगी। एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।